वेलकम टू माई चैनल इंडिया सर्च करें। आज मैं आपको मस्टर्ड सीड से फेस को कैसे साफ किया जाए ये फॉर्मूला बताऊंगी। आज की मेरी टिप जो है हेल्थ टिप है, ब्यूटी टिप है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे हम सरसों के बीजों को पीस करके उससे एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं। तो हमें करना क्या है, एक मिक्सी में 100 ग्राम सरसों पीस के रख लेनी है। यदि आप मिक्सी का यूज़ करेंगे तो हमें 100 ग्राम सॉफ्ट सरसों के पीली सरसों के बीज की ज़रूरत होगी। अगर हम एक या दो चम्मच पीसना चाहते हैं तो हम खरल में भी पीस सकते हैं। खरल में पीसने के लिए मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है, इस तरह से हम पीली सरसों के दाने पीस करके ले सकते हैं। इससे हमारे फेस के लिए एक अच्छा फेस मास्क तैयार हो जाएगा, जो मैं आपको बताती हूँ रंग साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हमें 2 चम्मच पीसी हुई सरसों लेनी है। इसमें हमें 1/2 चम्मच हल्दी मिलानी है। 1/2 चम्मच हल्दी का लेंगे और 2 चम्मच दही मिला करके एक फाइन पेस्ट बनाना है। अगर पेस्ट थोड़ा गाढ़ा रह जाए तो थोड़ा दही और पानी और मिला लीजिए और बिल्कुल फेस मास्क की तरह का गाढ़ा पेस्ट इससे आप बनाइए। ये मस्टर्ड का पेस्ट जो है आपके चेहरे के अनचाहे बालों को बिल्कुल साफ कर देगा और हमारे जो चेहरे पे काले बाल आ जाते हैं वो बिल्कुल ब्राउनिश हो जाएंगे, जिससे दिखाई नहीं देंगे, हमारी पूरी डेड स्किन बाहर आ जाएगी इससे। तो ये पेस्ट लगाना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। पेस्ट को आप फेस पर लगा करके 10 या 15 मिनट तक सूखने दीजिए। हल्के हाथों से अप्लाई करना है, बिल्कुल भी रब नहीं करना है, अदरवाइज रैशेज आ जाएंगे। आप लगा के छोड़ लीजिए, 10-15 बार सूख जाएगा तो गीला करके उतार लीजिए इसको। गुनगुने पानी से गीला करके हल्का कॉटन से उतार के गुनगुने पानी से फेस वॉश कर लीजिए और देखेंगे कि आपका फेस कितना चमक गया है इस फेस मास्क से। तो आप इस तरह की विधि हमेशा मैं आपको बताती रहूँगी, इसी तरह के और फॉर्मूले मैं आपको बताती रहती हूँ। इसी सरसों के दानों से हम बहुत सारे तरीके यूज़ करके अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। सरसों के जो पिसे हुए बीज हमने लिए हैं, ये हमें लेने हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच बीज लेने हैं हमें। अगर हमें हाथों पे भी क्लीनिंग करनी है तो यहाँ पर ये स्क्रब का काम भी करेगा। कोहनी काली हो गई हो या गर्दन काली हो गई हो तो हम इसका स्क्रब बना सकते हैं। इसके लिए हमें 1/2 बाउल भर के पीसी हुई पीली सरसों के दाने लेने होंगे। तो आप 1/2 बाउल पीली सरसों के दाने ले लीजिए और उसमें 1/2 बाउल कच्चा मिल्क, बिना उबाला हुआ दूध डालना है, होल मिल्क डालना है, जिसमें फुल क्रीम होगी, और दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसी पेस्ट में आप 1 चम्मच सरसों का तेल भी मिला दीजिए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाने के साथ साथ 1/2 चम्मच नींबू का रस भी मिला दीजिए। इन चारों चीज़ों को मिला करके ये पूरा स्क्रब जो है अपने कोहनी तक के हाथों पर या जहाँ की स्किन काली हो गई है आप इसको इससे स्क्रब कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी मसाज कीजिए, हो सके तो बीच अगर सूखने लगे तो बीच में थोड़ा पानी या कच्चा दूध लेकर के इसकी हल्की हल्की रनिंग करें, जैसे स्क्रब से करते हैं। पूरी डेड स्किन बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरह के मैं हमेशा फ्रेंड्स आपको तरीके बताती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।